दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे फॉक्सवर में अपना प्रोग्राम नंबर 5 प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम डॉस बॉक्स को रन करेंगे। डॉस बॉक्स को रन करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फॉक्सवर की डायरेक्टरीज को माउंट करवाएंगे। देखिए माउंट C:\Foxpro, इसके बाद यहाँ पर C:\Enter और उसके बाद जो है फॉक्सप्रो का नेम टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फॉक्सप्रो हमारे सामने जो स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, मैं इसको जूम इन करूँगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डॉस बॉक्स में फुल स्क्रीन सपोर्ट जो है रिकॉर्डिंग में नहीं है। ठीक है, स्क्रीन को एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद अपने प्रोग्राम का नेम टाइप करेंगे मॉडिफाई कमांड के ज़रिए। इसको क्रिएट करने के लिए मॉडिफाई कमांड, ठीक है, प्रोग्राम का जो भी आप नेम देना चाह रहे हैं, और उसके बाद PRG लाजमी ऐड करें एक्सटेंशन में प्रोग्रामिंग विंडो में। अब सबसे पहले यहाँ पर जो हम कमेंट्स जो है टाइप करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम का डिफाइन करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे फॉक्सप्रो में अपना प्रोग्राम नंबर 5 प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले डॉस बॉक्स को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम फॉक्सप्रो को माउंट करवाएंगे। माउंट C:\Foxpro जो हमारा डायरेक्टरी नेम है जो हमने सी ड्राइव में कॉपी किया हुआ है। इसके बाद C:\Enter और इसके बाद फॉक्सप्रो टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फॉक्सप्रो जो है हमारे सामने यहाँ पर रन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर जूम इन कर रहा हूँ और आप ऑल्ट एंटर प्रेस करके इसको फुल स्क्रीन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे क्लियर कमांड के ज़रिए। ठीक है, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम का नेम टाइप करेंगे मॉडिफाई कमांड के ज़रिए, प्रोग्राम को डिफाइन करेंगे मॉडिफाई कमांड। ठीक है, program.prg एंटर प्रेस करेंगे और प्रोग्रामिंग विंडो में यहाँ से कोड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव डिफाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके बाद वही सेट टॉक ऑफ सेट मेन्यू ऑफ, ठीक है, यहाँ पर सेट मेन्यू ऑफ और इसके बाद सेट स्टेटस ऑफ, इसके बाद यहाँ पर क्लियर ताकि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो वो डेटाबेस मोड से हट जाए। इसके बाद जो है यहाँ पर इनपुट ठीक है, यहाँ पर इनपुट लेंथ, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे स्पेस देके, ठीक है,
और यहाँ पर जो है इनपुट लेंथ टू एल, और इसके बाद नेक्स्ट इनपुट इनवर्टेड कॉमा में, ठीक है, इनपुट ब्रेड टू इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे टू बी, ठीक है, यहाँ पे बी का वेरिएबल यूज़ किया हमने, और इसके बाद जो है क्लियर, ये प्रोग्राम रन होगा तो आपसे इनपुट में लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें आपसे लेगा, ठीक है। इसके बाद एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू एल इंटू बी इंटू फाइव, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए में जो है टोटल एरिया जो है स्टोर जो वैल्यू है स्टोर हो जाएगी। इसके बाद एट द रेट, ठीक है, यहाँ पर जो है रो नंबर 6 और कॉलम 28 में आपके पास जो है मैसेज प्रिंट होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रो नंबर 7 और कॉलम नंबर 28 में ऑन स्क्रीन जो है आपने यहाँ पर जो है एक लाइन प्रिंट कर दी, ठीक है। इसके बाद जो है एट द रेट रॉ नंबर 9 और कॉलम नंबर 25 में ठीक है आपने प्रिंट किया द इनपुट, ठीक है, इनपुट लेंथ इज, और इसके बाद जो आपने लेंथ इनपुट की है उसको प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर प्लस यूज़ करेंगे, क्योंकि उसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है तो दो मैसेज जो है प्रिंट दो चीज़ों को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आपने जो है स्ट्रिंग के साथ जो है प्लस को लाजमी ऐड करना है, ठीक है। अब स्ट्रिंग वैल्यू जो है एल प्रिंट होएगी और वो 6 करेक्टर्स तक जो है यहाँ पर प्रिंट जो है हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है रॉ नंबर 10 और लाइन नंबर रॉ आपके पास जो है 10th जो है आपके पास रॉ है और कॉलम 25 में मैसेज प्रिंट होगा था इनपुट ब्रैकेट्स, ठीक है, और यहाँ पर आपने इनवर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद प्लस के साथ जो है जो ये स्ट्रिंग का फंक्शन है इसका यूज़ करना है ब्रेड को प्रिंट करने के लिए। ब्रेड भी जो है 5 नंबर्स तक जो है प्रिंट हो सकती है क्योंकि हमने कॉमा के बाद 5 ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 11th जो है आपके पास रॉ है और कॉलम नंबर 25 में आप प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा में दी टोटल एरिया इज, ठीक है, आपने दोबारा जो है इनवर्टेड कॉमा क्लोज करके प्लस और स्ट्रिंग का जो है फंक्शन यूज़ करना है, और इसमें ए जो है आपके टोटल एरिया को प्रिंट करेगा और 12 करेक्टर्स तक, और उसके बाद कितने डेसिमल तो आपने यहाँ पर जो है एंड में डिफाइन जो है कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसको सेव करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू के ज़रिए, हमने जैसे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया, अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो है किस तरह से आउटपुट आती है। डू और प्रोग्राम का नेम एंटर प्रेस किया है तो फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर जो हमसे लेंथ मांग रहा है ब्रेथ, और उसके बाद जो है इस तरह से हमारे पास जो है इसकी आउटपुट जो है आएगी। तो आप इस प्रोग्राम को परफॉर्म करें अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप